हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एडी टीचिंग सेंटर में। जैसा कि अब बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है और इसके लिए आप लोग को पूरा संपूर्ण तैयारी होना ज़रूरी है, तो आज मैं त्रिकोणमिति का जो मेन मेन पॉइंट है, जो त्रिकोणमिति होता है, वो क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, है ना। जैसे क्वेश्चन पहला है कि साइन थीटा बाई ए मॉडल दो है, तो सी करें कि थ्री कॉस थीटा माइनस फोर कॉस क्यू थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो हम इसको सीख करते हैं, देखते हैं। इस तरह से पहले हम इसको देखते हैं कि आप यह हमको दिया हुआ है कि साइन थीटा बार एक बटा दो है, तब मतलब क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। लंब कर्ण दिया होता है, आधार ना निकालेंगे तो आधार वाला निकाल लीजिए, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कर्ण के स्क्वायर माइनस में लंब के स्क्वायर। कोई दिक्कत है, यहाँ से कर्ण कितना दो है, दो का होल स्क्वायर माइनस में एक का स्क्वायर, दो का सब कितना होता है चार माइनस एक, मतलब रूट थ्री। रूट थ्री का रूट नहीं होता है, अभी इतने रखेंगे, होता है बाकी दशमलव में होगा, है ना। अब यहाँ से हम लेते हैं एल एच एस ले लेते हैं, क्या लेते हैं एल एच एस। एल एच एस में दिया है थ्री कॉस थीटा माइनस फोर कॉस क्यू थीटा, है ना। अब देखिए हमको कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम कॉस थीटा का मान निकाल ले सकते हो। तो कॉस थीटा को जो होता है आधार बटा में कर्ण होता है, आधार बटा में कर्ण, आधार कितना निकाल के लाए हैं रूट थ्री, कर्ण कितना है दो है। कोई दिक्कत है, वैल्यू पुट करेंगे थ्री गुना कॉस थीटा रूट थ्री बटा में दो माइनस फोर गुना कॉस थीटा का मान कहाँ से, रूट थ्री बटा दो है तो रूट थ्री बटा दो का होल क्यूब। कोई दिक्कत है, इसको हल करने का कितना है थ्री रूट थ्री बटा में दो माइनस चार गुना रूट थ्री को क्यूब, आप तीन बार गुना करके कितना थ्री रूट थ्री आएगा, थ्री ना आएगा जी, बटा दो को तीन में गुणा का अपना आठ आएगा, मतलब तो चार दूनी आठ, कहने के बाद क्या आ गया तुम्हारा कितना थ्री रूट थ्री बटा में दो माइनस में, यहाँ से कितना आएगा थ्री रूट थ्री बटा में दो, यहाँ देखिए एक प्लस में एक माइनस में, तो कट जाएगा कितना आएगा जीरो आएगा, नहीं मतलब आर एक से ज्यादा क्या आ गया, आ गया। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं और इसका मान निकालना है। कहता है कि मान क्या कीजिए, कहता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस में कॉस इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है जो होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, बाकी हम उस फॉर्मूला से पहले बाद में निकालेंगे, अभी हम देखते हैं इसका मान दिया उससे पहले पुट करके देखते हैं। तो हमको दिया हुआ टेन और कितना रूट थ्री है, इसको हम कितना कर सकते हैं वन थ्री रूट थ्री बटा वन कर सकते हो, ठीक है। टेन ए वाला रूट थ्री बटा वन है तो लंब बटा आधार है, तो कम निकालेंगे इसके लिए, तो निकालिए लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर, टेन के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, टेन के लिए निकाल रहे हैं। ये चला कितना आ गया, मतलब कर्ण कितना आ गया, नाम दिया हुआ आपका कितना है रूट थ्री का होल स्क्वायर और प्लस में वन का स्क्वायर, ठीक है। रूट थ्री का स्क्वायर कितना है तीन आएगा और प्लस वन का स्क्वायर वन आएगा, मतलब रूट खाने मतलब तीन प्लस एक कितना आ गया चार, चार का वन कितना आ गया दो, मतलब इसके लिए कर्ण कितना आ गया दो आ गया। अब यहाँ से इसका हल निकाला है साइन बी का दिया एक बटा में दो, ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं इसको, लंब बटा में कर्ण है ना, तो आधार निकाल लीजिए इसमें कितना आएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस में लंब के स्क्वायर, इन लिख सकते हैं, यहाँ से लिख लीजिए इसको दो का होल स्क्वायर, दो का होल स्क्वायर माइनस में वन का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, चलिए दो का सब कितना आएगा चार माइनस एक का स्क्वायर एक, तो चार में से कितना आएगा रूट थ्री लिखेंगे, मतलब आपका ये आधार कितना आ गया रूट थ्री आ गया। कोई दिक्कत है, अब यहाँ से देखिए हमको साइन के निकल घर में निकालते हम टेन वाला से निकालेंगे कि साइन भी वाला था, हमको टेन से निकालते टेन वाला से निकालेंगे, यहाँ से निकाल दिए साइन ए, ठीक है, साइन ए लंबटा कैसे होगा लंबटा में कर्ण, ठीक है, तो लंब इसका कितना दिया है रूट थ्री और कर्ण इसका कितना दिया निकाल के लाए हैं दो लाए हैं रूट थ्री, ठीक है, रूट थ्री बटा में दो। अच्छा तो यहाँ पर देखिएगा साइन बीटा का मान निकालेंगे, बीटा का मान तो दिया हुआ है बटा में दो, तो कॉस बीटा का मान निकालते हैं साइन बीटा से, यहाँ से कॉस बीटा बराबर कितना लिख सकते हो आधार बटा में कर्ण होता है, ठीक है, तो आधार कितना यहाँ से है दिए रूट थ्री निकाल के लाए हैं और कर्ण यहाँ से कितना है दो। कोई दिक्कत है, अब वैल्यू इसका पुट करिए आंसर आ जाएगा। देखिए साइन ए का मान कितना दिया हुआ रूट थ्री बटा में दो, लिख लेते हैं रूट थ्री बटा में दो गुना कॉस बीटा का मान, वहाँ से लिखेंगे रूट थ्री बटा में दो। कोई दिक्कत है, माइनस कॉस ए का मान कितना है, अच्छा कॉस ए का मान अभी नहीं निकाल, निकाल दीजिए यहाँ से निकाल दीजिए कॉस ए आधार बटा में कर्ण होता है, ठीक है, आधार इसके लिए कितना निकाल के लाए हैं, आधार दिया हुआ वन और कर्ण कितना है दो,
तो ये कोटा में दो होगा, ठीक है। यहाँ से साइन बीटा, साइन बीटा कौन कितना है, रूट थ्री बटा में दो, साइन बीटा का मान कितना है जी, वन बटा दो है, ठीक है, वन बटा दो वैल्यू पुट कर दिए। हाँ तो रूट थ्री गुना रूट कितना है, तीन आएगा, दो दूनी चार, माइनस में एक गुना एक मतलब एक आएगा, दो दूनी चार, ठीक है। इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, चार से कैल्सियम कितना होगा, चार आएगा, चार से भागा दिया एक मतलब कटेगा, एक से गुना तीन में तो तीन आएगा, थ्री माइनस में एक हो जाएगा, है ना, तीन में से कितना है, दो आया, दो बटा में चार मतलब दो दूनी चार, हमें कौन सा कितना है, एक बटा दो आया, ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया, कोई दिक्कत है, चलिए।